नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में यास तूफान का असर दिखने लगा है। राज्य के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है। तूफान हालांकि कमजोर हो गया है, पर लोगों में दहशत कायम है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के ऊपर एक हवा के कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इस कारण से अगले 48 घंटे तक राज्य भर में लगातार बारिश होगी और इसका असर अगले 72 घंटे तक रहेगा। आंधी और तूफान का विकराल आकार देखने को नहीं मिलेगा। अधिकतर जिलों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रही। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि झारखंड के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र शुक्रवार दोपहर बिहार और यूपी के बीच में रहेगा। बिहार के लोगों को अब बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में तूफान का असर बंगाल और ओडिशा की तरह नहीं रहेगा। पूर्वी क्षेत्र में ठनका गिरने की आशंका है। झारखंड के ऊपर बना डिप्रेशन उत्तर पश्चिम की ओर 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। इस कारण पूर्वानुमान से ये कह सकते हैं कि बिहार में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर चलेगी। वहीं ठनका गिरने की आशंका केवल पूर्वी क्षेत्रों में है, लेकिन बाकी हिस्सों में ठनका गिरने की संभावना नहीं के बराबर है। पूर्वी और दक्षिण क्षेत्र में कुछ जगहों पर अधिक बारिश होने की संभावना है, लेकिन ये बारिश 24 घंटे में 65 mm से अधिक नहीं होगी। अब आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि बिहार के किस हिस्से में इस तूफान का कितना असर हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे मुजफ्फरपुर जिले की, जहां पर सुबह से लेकर रात तक रुक रुक कर बारिश होती रही है। कई जगहों पर पेड़ गिर जाने की भी सूचना है। तो वहीं भागलपुर में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जल जमाव से शहर के लोग त्रस्त हो गए हैं। गया जिले में दूसरे दिन भी लगातार बारिश जारी रही। शहरी इलाकों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। बात करें सहरसा की, तो यहां पर यास तूफान का व्यापक असर दिखा है। कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, तो कई जगहों पर कच्चे घर ध्वस्त हो गए हैं। बांका जिले के अमरपुर में आंधी के कारण घर पर ताड़ का पेड़ गिर गया। इससे एक बच्ची साक्षी कुमारी की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण में दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। जिले में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हुई। बात करें दरभंगा की, तो यहां पर तेज हवा की वजह से सुबह से ही बिजली गुल रही। आम और मूंग की फसल को नुकसान हुआ है। पूर्णिया में सुबह से लेकर शाम तक बादल मंडराते रहे। तेज हवा के बीच बारिश होती रही। कटिहार में बारिश और तूफान के कारण कई कच्चे घर गिर गए। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बात करें रोहतास जिले की, तो यहां पर यास का असर जिले में व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां पर ठनका गिरने की घटनाएं नहीं हुई हैं। औरंगाबाद में गुरुवार से ही दिनभर 39 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। तूफान के बाद मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पटना, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां 65 mm से अधिक बारिश होने की संभावना है। वहीं बाकी अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और यहां पर 64 mm तक बारिश होने की संभावना है। कुल मिलाकर बिहार के ये 10 जिले जो हैं, वो सबसे ज्यादा खतरे के निशान पर हैं। मौसम विभाग की माने तो इन 10 जिलों में ज्यादा असर देखने को मिल सकता है चक्रवात का। राज्य भर में खराब हुए मौसम के कारण गुरुवार को भी सभी जिलों में डीएम के स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। इसमें आपदा बचाव दल SDRF के जवान भी मौजूद थे। वहीं कंट्रोल रूम से दिन भर राज्य भर में हो रही बारिश की जानकारी ली गई। राहत बचाव कार्य के लिए राज्य में 22 टीमें तैयार की गई हैं। पूर्व बिहार में यास तूफान का व्यापक असर दिखा। कई जगहों पर पेड़ गिर गए, तो कई जगहों पर कच्चे मकान ध्वस्त हो गए। पेड़ गिरने के कारण कुछ जगहों पर यातायात भी बाधित हुई। सभी जिलों में बिजली की आंख मिचौली जारी रही, तो वहीं कुछ प्रखंडों में ब्लैक आउट जैसी स्थिति भी रही। तो कुल मिलाकर बिहार में साइक्लोन का असर देखने को मिल रहा है। यास चक्रवात की वजह से बिहार में लगातार 24 घंटे से हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है। कई जिलों में लगातार बारिश 24 घंटे से अधिक समय से हो रही है। तो वहीं इन 10 जिलों में जिनका हमने आपको नाम बताया, सबसे ज्यादा खतरा है। और मौसम विभाग की तरफ से बताया भी गया है कि इन 10 जिलों के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, जिसकी वजह से यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बाकी सभी जिलों में मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।